लूटा, चोरी, जुआ, जारी में और त्रिया के चक्कर में फंसकर क्या हुआ? बड़े बड़ों के शीश उतर गए पर त्रिया दिया और लगो। बड़े बड़ों के शीश उतर गए पर त्रिया की यारी में शीश उतर गए पर त्रिया की यारी में। क्या बात है। पहली बात के माध्यम से उस पिंगला रानी का जिक्र किया कि उस पिंगला रानी ने परिवार में नाश किस तरीके से किया, आइए के बता दिया कैसे। जब गैर मर्द की हवा लाग जा औरत नहीं डटे डाटी, खानदान की इज्जत को वो कर जावे रे रे माटी। हीरा खानदान की इज्जत को वो कर जावे रे रे माटी। पिंगला रानी अपने पति ते रागी दूसरी पार्टी, कोतवाल पे दिल आ गया फिर नाक कुटम की थी काटी। कोतवाल पे दिल आ गया फिर नाक कुटम की थी काटी। अपनी आबरू गैर में बाटी, अपनी आबरू गैर में बाटी, ना छोटी कमी खवारी में लोग बड़े बड़े शीश उतर गए त्रिया की यारी। बड़े बड़ों के शीश उतर गए पर त्रिया की यारी में। हो दिया कि वो एक विद्वान पंडित था लेकिन पंडित होने के बावजूद भी उसे एक त्रिया ने मारा, त्रिया के चक्कर में मारा गया। आइए प्रेमी सजनों दूसरी बात के माध्यम से कवि ने लिखा और बताया कि किसी को किसी की तन्हाई मार गई और किसी को किसी की रुसवाई मार गई, कि किसी को किसी की तन्हाई मार गई और किसी को किसी की रुसवाई मार गई, और वो रावण भी बुरा आदमी नहीं था, उसे भी राम की लुगाई मार गई। आइए किस तरह से के बता दिया कैसे है। सीता हर ली रावण ने फिर पूरा कुटुंब खपाया, तीन लोक का राजा हो के धड़ते सर तरवाया। तीन लोक का राजा हो के
सोने की लंका का मालिक करके घमंड पछताया। समझेता वो अमर जिंदगी माटी बनगी काया। ओ समझेता वो अमर जिंदगी माटी बनगी काया। लोगों बड़े बड़ों के शीश उतर के प्रतिक्रिया किया। ओ लोगों बड़े बड़ों के शीश उतर के प्रतिक्रिया किया। साथी भी बैठे हैं भाई, जितने भी हमारे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, आपके समझ में आ रही है जो मैं गा रही हूं, तो एक बार ताली बजाओ जोरदार। आइए तीसरी बात के माध्यम से कवि ने उस नूना दे के बारे में बताया कि उस नूना दे ने क्या करा और उसके साथ क्या हश्र हुआ। आइए के बताया ये बात छोड़ी। नूना देन पूरन मल पे इश्क का जाल बिछाया। मद जोबन में अंधी होगी पूरन मल कटवाया। मद जोबन में अंधी होगी पूरन मल कटवाया। मौसी हो के डूब गई बे बेटे पे जुलम कमाया। सले भान की इज्जत को चोड़े में दाग लगाया। ओ सले भान की इज्जत को चोड़े में दाग लगाया। ना जाने यो अपना पराया, ना जाने यो अपना पराया। जब भूख लग जा नारी में बड़े बड़ों के शीश उतर के किया। बड़े बड़ों के शीश उतर के प्रतिया किया। क्या कि जब घर में रहने वाली औरत का पैर घर से बाहर निकल जाता है तो वो भी डांटे से डरती नहीं है, इसलिए कंट्रोल करके रखिए आजाद जी। हाँ, कंट्रोल करके रखिए। आइए कैसे बताया भाई। त्रिया कारण नारद ने बंदर की शक्ल बनाई। सैलंदरी पे आशिक होके कीचक ने जान खपाई। सैलंदरी पे आशिक होके कीचक ने जान खपाई। दारू दुश्मन दहशत से नर मारा जबे आई। देविंदर सरे नाम हुई तेरी दुनिया में कविताई। देविंदर सरे नाम हुई तेरी दुनिया में कविताई। सारी जनता करे बड़ाई, सारी जनता करे बड़ाई। ऊंचा गावे ले तारी में लोग बड़े बड़ों के शीश उतर के प्रतिक्रिया किया। लगा बड़े बड़ों के शीश उतर।
की यारी में। सोनोटेप कैसेट।